मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपने सुओ मोटो अगर पुलिस ने किया है तो स्कूल क्यों नहीं कर रहा है, कि कुछ पॉस्को का एक्ट क्यों नहीं लगाता अगर कोई प्राइमा फेसी सस्पेक्ट आपके पास है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो किसी को जबरदस्ती बलि का बकरा कैसे बना दे। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और भी आगे कोई जांच करवानी है हम हर जांच के लिए तैयार हैं। सर आप एक बयान दे रहे थे अभी कि किसी के बोलने पे एडमिशन नहीं किया, मैं सर फंसाने का प्रयास, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी आप बोले थे कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। डीपीएस प्रबंधन की ओर से जो भी जवाब दिए गए हैं वो गोलमटोल घुमावदार जवाब है, मगर कोई भी चीज़ें कोई भी तथ्य ऐसे सामने नहीं आई जो डीपीएस का पक्ष स्पष्ट रूप से रख सके कि स्कूल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। स्कूल में और जब बच्ची गई है उस दौरान जो है बच्ची वॉशरूम में नहीं गई है, पूरा टाइम वो क्लासरूम में बैठी हुई है। सर जूनियर स्कूल में है ना, या नहीं क्यों उनको प्रेजेंट किया जाए? नहीं नहीं, लेकिन उनको प्रेजेंट क्यों उनको प्रेजेंट किया जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई छत्तीसगढ़ का एक जाना माना प्रसिद्ध स्कूल, जहां एडमिशन के लिए कतारें लगती है, जहां एडमिशन के लिए तमाम जंदोजहद करने पड़ते हैं, वहां आज अपने अपने बच्चों को टीसी दिलाने के लिए पालक लगे हुए हैं। क्यों? एक मामला निकल कर सामने आता है कि 5 साल की एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। 5 साल की एक बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ वो मामला 5 जुलाई का है। 5 जुलाई से आज हम जिस डेट में वीडियो बना रहे 2 अगस्त, क्योंकि 1 अगस्त को पालकों को पता चलता है कि स्कूल में इस प्रकार की कृत हुई है, उससे पहले किसी को कोई खबर ही नहीं रहती कि आखिर हुआ क्या है, किसने किया है। एक लेडी स्टाफ के ऊपर शंका जताई जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आज पालक जो है वो यहाँ पहुँचे हुए थे प्रिंसिपल से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी का क्या होगा, क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगे हुए हैं, वॉशरूम के दौरान जब KG 1 KG 2 के छोटे छोटे बच्चे जब जाते हैं, जब लड़कियां जाती हैं या लड़के जाते हैं, उनके साथ कोई स्टाफ क्यों नहीं जाता। क्योंकि ऐसे कई सारे मामले अलग अलग स्कूलों में देखे जा चुके हैं कि वॉशरूम में कुछ गलत कृत्य बच्चों के साथ किए जाते हैं, इसके बाद भी डीपीएस जैसा इतना बड़ा स्कूल, इतनी बड़ी संस्था जो है वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। अगर यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ, कुछ गलत काम नहीं हुआ, जैसा कि प्रिंसिपल बार बार चीख के बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में सारी चीज़ें स्पष्ट है कि बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, उसकी तबीयत पहले से ख़राब थी, क्या ये सच है या डीपीएस प्रबंधन कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है? 9 बजे से पेरेंट्स यहाँ पहुँचते हैं, 12:30 बज जाते हैं, चर्चाएँ होती है, उसके बाद सभी जो बाहर के लोग थे, बाहरी लोगों को बाहर करके केवल पेरेंट्स के साथ प्रबंधन की मीटिंग होती है। मीटिंग में कई सारे मुद्दे नोट डाउन कराए जाते हैं कि जल्द से जल्द क्लासरूम में कैमरे लगने चाहिए, सारी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, और जो चीज़ें हुई है उस चीज़ को पब्लिकली किया जाए। अब इस मामले में पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, मीटिंग के बाद पेरेंट्स की क्या मांग है, वो हम पेरेंट्स से बात करते हैं। आप आगे वीडियो में सुनिए कि एडिशनल SP का क्या कहना है, और इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिंसिपल क्या कुछ कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखिए, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और तमाम लोग हैं जो आए हुए थे यहाँ पर, प्रबंधन के साथ बातचीत भी हुई है, मीटिंग हुई है, क्योंकि सुबह 9 बजे से ये प्रयास जारी था कि प्रबंधन इस मामले में कुछ जवाब दे या अपना कुछ स्टैंड सामने रखे कि आखिर पूरे स्कूल में हुआ क्या, ये क्यों इतनी सारी चीज़ें जो है सनसनीखेज बनकर रह गई है, इतनी सारी चीज़ें जो वायरल हो रही है। और उसके बाद दो घंटे तीन घंटे की मशक्कत के बाद फाइनली प्रबंधन पालकों के साथ मीटिंग करता है, बैठता है, उस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है उसके बातचीत करेंगे। सर 2 घंटे 3 घंटे जूझने के बाद, लड़ाई करने के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या कहते हैं? मीटिंग शुरू से ही की है, 2-3 घंटे हम लोग जूझे नहीं है। हम लोगों का जो कंसर्न है वो ये है कि अगर घटना 5 जुलाई की थी तो ये हमको पता चलते चलते थर्ड पार्टी या कहीं और से पता चल रहा है, और कॉल जो स्कूल प्रशासन है इसकी तरीके इनकी तरफ से किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस चालू क्यों नहीं किया गया? तो सर ने कहा कि क्योंकि वो मामला जांच के अधीन था, इसलिए हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोई प्रोसेस चालू नहीं किया, किसी को भी इसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये कोई घटना जो है घटी ही नहीं है स्कूल में, ऑल दो इस उत्तर से संतुष्ट लोग नहीं है। मतलब अगर मेजर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या लोग संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट नहीं है, सबको अपने बच्चे को पढ़ाना है, मजबूरी है, ठीक, बट संतुष्टि नहीं है किसी को। जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी कि जो भी एलिगेशंस डीपीएस के ऊपर लग रहे थे, जो भी आरोप लग रहे थे, आप लोग अभी तक चर्चा में क्या कुछ चीज़ें हुई है कि क्या डीपीएस में ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।
और 5 पॉइंट का और डिनायल दिया है जो कि लिखित में दिया है, आप लोगों को दूसरे से मिल जाएगा, मेरे पास तो कागज नहीं है, कि ये सब कुछ भी हुआ नहीं है स्कूल में। एक पत्र प्राप्त हुआ है, मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपने सुओ मोटो अगर पुलिस ने किया है तो स्कूल क्यों नहीं कर रहा है, कि कुछ पॉस्को का एक्ट क्यों नहीं लगाता अगर कोई प्राइमा फेसी सस्पेक्ट आपके पास है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो किसी को जबरदस्ती बलि का बकरा कैसे बना दे हम। मैंने उनसे सवाल किया कि इसमें तो आप सीधे सीधे पॉस्को का अगर कोई प्राइमरी आपके पास सस्पेक्ट है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, तो बोले कोई इस तरीके का है ही नहीं, और दूसरा कि गार्जियंस जो हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद में किसी प्रकार की कोई FIR किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं है। पुलिस के बारे में भी उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि सुओ मोटो में उन्होंने संज्ञान लिया था, इन्होंने कंप्लेंट नहीं किया था, स्कूल के द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं थी, बट इतना कुछ होने के बाद रिटर्न में कहीं कुछ नहीं है। इतनी बड़ी संस्था है और जैसे कि रिटर्न की बात आती है तो सारी चीज़ें होने के बाद अभी स्कूल की ओर से एक रिटर्न चीज़ें सामने निकल कर आती है जिसमें साफ तौर पर जिस मांग को लेकर पेरेंट्स आए थे कि CCTV फुटेज नहीं शेयर किए जा सकते हैं, वो रिटर्न भी हम लोगों ने मांग बना के दिया कि ये हमको लिखित में दे दीजिए कि आपके पास ये नहीं है, ये घटना घटी नहीं है, तो वो 5 पॉइंट पर उन्होंने लीगल टर्म्स में लिख के दिया है कि कानूनी तौर पर मैं इसके लिए अथोराइज नहीं हूं करके। चाहे कोई बड़ी संस्था हो या छोटी संस्था हो, हम लिखित पे ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि मौखिक चीजें वर्बल पे हम भरोसा नहीं कर सकते जी, लेकिन इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद कोई चीज लिखित डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, चाहे वो जिसको निकाला गया था कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी गई थी जिस महिला को जो काम करती है उनको भी पूछा नहीं है, नहीं है कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। आप भी प्रिंसिपल साहब से पूछ सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ लगभग 1 महीने का, इसमें लिखित क्या है, तो लिखित कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा मामला जो है वो DPS स्कूल का है जिसमें देखा जा रहा है कि अभी भी पेरेंट्स साफ तौर पर खुल के बोल रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है वो जवाब से। DPS प्रबंधन की ओर से जो भी जवाब दिए गए हैं वो गोलमटोल घुमावदार जवाब हैं, मगर कोई भी चीज़ें कोई भी तथ्य ऐसे सामने नहीं आई जो DPS का पक्ष स्पष्ट रूप से रख सके कि स्कूल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। अगर घटित नहीं हुई तो इतना बड़ा बवाल क्यों, घटित नहीं हुई तो DPS पे ही ये सवाल क्यों कि DPS में एक 5 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार के व्यवहार किए गए हैं, इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं, और कोई स्कूल इसका शिकार क्यों नहीं बना, DPS को ही लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रिंसिपल जो है वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि हमें शिकार बनाया जा रहा है, हमें टारगेट करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और पूरा जो मसला है वो एडमिशन से जुड़ा हुआ है, मगर फिर भी जिस अधिकारी ने दबाव बनाया, जिस अधिकारी के बारे में वो चीख चीख कर बोल रहे हैं, उस अधिकारी का नाम लेने में आखिर स्कूल क्यों डर रहा है, आखिर क्यों उस अधिकारी को सामने नहीं कर रहा है कि जो मैसेज है, जो अधिकारी ने 2 बच्चों के एडमिशन के लिए मैसेज किए थे वो मैसेज क्यों नहीं दिखा रहा है, आखिर स्कूल चाहता क्या है। यहाँ से कई सारी चीज़ें निकल कर और सामने आ रही है कि कई सारे पालक ऐसे भी इस मीटिंग से निकलने के बाद जिन्होंने साफ तौर पर प्रिंसिपल सर से डिमांड की है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, हमें TC चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल ने हामी भी भर दी है कि आपको ज़रूरत है तो आप TC ले लीजिए। अभी एक बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, जिस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग घंटों लाइन लगते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं, बच्चों के इंटरव्यू होते हैं, और तमाम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी जब आप थोड़ी सी चीज़ों में फेलियर हो जाएं या थोड़ी सी चीज़ों में नाकाम हो जाएं तो आपको एडमिशन नहीं मिलते, जहां एडमिशन के लिए लोग इतनी धक्का मुक्की करते हैं, इतनी तमाम चीज़ें करते हैं, वहां से अपने बच्चों को TC देकर निकालना, मतलब स्कूल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और अगर गड़बड़ी नहीं है तो क्यों ये पेरेंट्स डल रहे हैं, क्यों ये पेरेंट्स घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि आगे चल के इनके बच्चों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि स्कूल जो है वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा है, स्कूल जो है वो कोई चीज़ों को सामने नहीं लेकर आ रहा है, वो सिर्फ अपनी चीज़ों पर घुमा घुमा के जवाब दे रहा है। और एक पेरेंट्स के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद एक लिखित पहला डॉक्यूमेंट है जो जारी होता है, जिसमें साफ तौर पर जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें साफ तौर पर 5 बिंदुएँ लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम CCTV फुटेज शेयर नहीं कर सकते, पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट जमा है उसको हम आपको नहीं बता सकते, पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए हैं, क्या क्या बयान हमने पुलिस को दिए हैं, क्या कुछ चीज़ें पुलिस प्रक्रिया में हमने मदद की है, इसकी कोई जानकारी पेरेंट्स को नहीं दी जाएगी। जिस महिला के ऊपर, जिस लेडी कर्मचारी लेडी स्टाफ के ऊपर ये सारी बातें चल रही थी, जिसको पुलिस स्टेशन में भी बैठाया गया, उसके बारे में भी उसका नाम पता या कोई भी जानकारी हम शेयर नहीं करेंगे, मतलब उस लेटर में साफ तौर पर नहीं शब्द लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, नहीं आप कुछ भी मांगिए हम आपको नहीं देंगे। मगर प्रबंधन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर क्या कुछ हुआ इस मामले में, क्या कुछ अपडेट है, क्या सही में यहाँ पर कुछ कृत हुआ है, क्या सही में 5 साल की बच्ची के साथ घिनौना काम किया गया या करने का प्रयास किया गया है। ये सारी डिटेल हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद। मेरा यही कहना एक्चुअली क्या है, पूरा मामला मैंने समझा दिया है कि बच्ची जब से आई है स्कूल में
और जब बच्ची गई है उस दौरान जो है बच्ची वॉशरूम में नहीं गई है, पूरा टाइम वो क्लासरूम में बैठी हुई है। और जब शुरू में ये लास्ट में जब स्कूल एंड हुआ है तो बच्ची जो है क्लास टीचर के साथ जाकर अपनी बस में चढ़ गई है। देखिए तो क्यों ये मामला उठ रहा है, क्या कारण है, क्यों उठ रहा है और इतने दिन तक ये मामला दबा रहा है, सामने आ रहा है और आप उसकी सफाई दे रहे हैं? सफाई वाली बात नहीं है, क्योंकि स्कूल का नाम कहीं था ही नहीं, तो उसका कोई औचित्य बनता ही नहीं है अननेसेसरी उस चीज़ को हवा देना। भाई हमारे अगर पेरेंट्स को हमने आने दिया अंदर, इसका तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा क्या जांच आप लोग करवाए थे? जो जांच पुलिस ने जांच पूरी की है भाई, पुलिस ने जांच इसकी पूरी की है। ठीक है, किस बात की जांच करी थी पुलिस और किस बात का आरोप? मैं उस जो है पूरे उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या है जांच की है तो किस बात की जांच की? जांच यही है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। गड़बड़ नहीं हुई तो फैसला हुआ, पर जांच किस बात की? आप मैं कहता हूँ और कुछ कमेटी से जो भी है उससे फर्दर जांच करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और भी आगे कोई जांच करवानी है हम हर जांच के लिए तैयार हैं। सर आप एक बयान दे रहे थे अभी कि किसी के बोलने पे एडमिशन नहीं किया, मैं सर तो फंसाने का प्रयास, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अभी आप बोले थे लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। ये तो मतलब क्यों हो रहा है? मैं उसके बारे में से बात नहीं करूँगा। नहीं तो आप बोले अभी आप बयान से पलट रहे हैं? मतलब मैं बयान से पलट नहीं रहा, मेरा बयान अभी भी वही है, पर मैं उसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहूँगा। पूरे मामले में बच्चे के साथ कुछ नहीं, अच्छा बच्चे को बाहर क्यों निकाल दिया, स्कूल से नहीं है वो? किसने निकाला स्कूल के बाहर, किसने कहा कि बच्ची नहीं है क्या? किसने कहा स्कूल से निकाला है? स्कूल निकालने अच्छा, स्टाफ को भी आपने बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला स्टाफ को भी बाहर नहीं निकाला है, ना बच्चे को बाहर निकाला है ना ही स्टाफ को बाहर निकाला है। और पूरी की पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने बार बार माइन्यूटली देख ली है। जब किसी ने कहा शायद छेड़छाड़ है, वो DVR भी लेके गए, हर चीज़ बारीकी से जांच कर ली गई है। किसको सर? जूनियर स्कूल में है ना, यहाँ नहीं, क्यों उनको प्रेजेंट किया जाए? नहीं नहीं, लेकिन उनको प्रेजेंट क्यों उनको प्रेजेंट किया जाए? क्यों अधिकारी सर ऐसा? मैं सर और नहीं बोलूँगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। पालक और गार्जियन DPS स्कूल के यहाँ चर्चा करने के लिए आए हुए थे, इसी बीच बहुत अधिक संख्या में थे तो पुलिस बल यहाँ पर आना पड़ा है और इनकी आपस में चर्चा चल रही है, अपनी मांगों को उन लोग रख रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने के लिए कहा गया है, वो अपनी मांग यहाँ से जो भी संबंधित समस्याएं हैं जिस विषय को लेकर के मिलना चाहते हैं उस पर सारा क्लियरिफिकेशन इनको दिया जा रहा है। ये एकदम क्लियर है, 5 जुलाई का ये घटना है जिस पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के IOCA की टीम से जांच कराया था। जांच में ऐसा दुष्कर्म का किसी प्रकार का कोई मामला घटित नज़र नहीं आया था, इस कारण से इस पर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और पुलिस टीम ने चिकित्सकों से और पेरेंट्स से, स्कूली के बच्चों से, सारे लोगों से बयान दर्ज करके इस निष्कर्ष पर पहुँची। Thank you.